दोस्तों याद रहे, YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशंस 16 लाख सब्सक्राइबर में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजता है, क्योंकि हमारे वीडियो में अश्लीलता नहीं होती और हमारे वीडियो ज्ञानवर्धक होती है। लेकिन YouTube अश्लीलता से ज्यादा पैसे कमाता है और इसलिए हमारे वीडियो को गायब कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहें, तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पर तमाचा लग सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर अजीबोगरीब कानून बनाए गए हैं, लोगों को उनका पालन भी करना पड़ता है वरना वे सजा के भागीदार बन जाते हैं। ऐसा ही एक देश है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। यूएई 7 अमीरातों से मिलकर बना है और इन सब के कानून अलग अलग हैं। इसका एक प्रमुख अमीरात दुबई है। दुबई अपने आलीशान इमारतों, नाइट लाइफ के कारण लोगों को खूब आकर्षित करता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दुबई के 7 अजीबोगरीब फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं दुबई के फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, एड्रेस सिस्टम। दुनिया भर के तमाम शहरों में एड्रेस सिस्टम है जिसके जरिए लोग बड़ी आसानी से किसी जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। ऐसे में अगर आपको किसी एड्रेस पर जाना है तो वहां के आसपास के मकान या होटल्स या किसी अन्य प्लेस की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, शादी से पहले संबंध नहीं बना सकते। दुबई में शादी से पहले महिला पुरुष का संबंध बनाना अवैध है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो गिरफ्तार करने के अलावा निर्वासित भी किया जा सकता है। हालांकि बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शादी से पहले खुलेआम हाथ पकड़कर चलने और किस करते हुए पकड़े जाने पर भी जेल हो सकती है। नंबर 3, दुबई में क्राइम ग्राफ 0 है। दुनिया भर के ज्यादातर शहरों में अपराध की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं, लेकिन दोस्तों दुबई में ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि दुबई में अपराध की संख्या 0% है। इसकी वजह है वहाँ के कड़े कानून। अपराध न होने की वजह से ही दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। नंबर 4, दुबई में सबसे ज्यादा इंडियन। दुबई में रहने वाले कुल लोगों की संख्या की 17% आबादी दुबई वासियों की है, जबकि 50% जनसंख्या भारतीयों की है। बाकी की 33% जनसंख्या दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोगों की है। नंबर 5, इनकम टैक्स नहीं लगता। भारत सहित दुनिया भर के तमाम देशों में लोगों को इनकम टैक्स देना होता है, लेकिन दुबई में दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों को इनकम टैक्स देने की जरूरत ही नहीं होती। नंबर 6, दुनिया के 20% क्रेन दुबई में। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया के 20% क्रेन सिर्फ दुबई में है, जो कि वहां पर बनने वाले इमारतों के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। नंबर 7, दुनिया की सबसे लंबी सोने की चेन दुबई में है। दुनिया की सबसे लंबी सोने की चेन दुबई में है, जिसकी लंबाई 4.2 किलोमीटर है और इसका वजन 22 किलो है और इसे 9600 लोगों ने मिलकर खरीदा है। नंबर 8, एटीएम से निकलते हैं सोने के सिक्के। दुबई में दोस्तों ऐसा एटीएम है जिसमें से गोल्ड बार यानी सोने के बिस्किट और सोने के सिक्के निकलते हैं। इस मशीन पर भी सोने की मोटी लेयर चढ़ी होती है और यहाँ कस्टमर्स को 24 कैरेट के गोल्ड क्वाइन और गोल्ड बिस्किट के कई ऑप्शंस मिलते हैं। नंबर 9, घर में शराब पीने के लिए जरूरी है लाइसेंस। जी हाँ, दुबई में अपने घर में ही अल्कोहल रखने के लिए लाइसेंस जरूरी होता है। लिकर लाइसेंस के बिना आप घर में शराब पी नहीं सकते। तो देखा आपने दुबई के कानून कितने कड़े हैं और इनका पालन हर किसी को करना पड़ता है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों से शेयर जरूर करें और साथ ही साथ
हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपको एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।